गुड इवनिंग। चलिए अब आज हम लोग देखेंगे पार्ट फोर है, लास्ट ही यही है एक्सरसाइज 9.3 का ना। 16 क्वेश्चन है ना टोटल, 12 तो हम लोग करा चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट फोर में क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे ए बी सी डी इज अ ट्रॉपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी। ट्रॉपेजियम की केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो ये रहा हमारे पास एक ए बी सी डी ट्रॉपेजियम, ठीक है सर। इसका नाम दो जरा, ए बी सी डी। फिर कह रहे हैं अ लाइन पैरेलल टू ए सी, एक लाइन है वो ए सी के क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले ए से सी को मिलाओ, यस और नो, ये लाइन ए सी हो गया। अब कह रहे हैं एक लाइन है जो कि ए सी के क्या है, पैरेलल। अब ए सी के तो पैरेलल कई सारी साइड्स हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती, कई सारी हो सकती है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक लाइन है ए सी के क्या है, पैरेलल, इस तरीके से है कि इंटरसेक्ट ए बी एक्स पॉइंट एंड बी सी एट वाई पॉइंट। मतलब इस तरीके से, मतलब ये है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। इसने ए बी को एक्स पॉइंट पे कट किया है और बी सी को वाई पॉइंट पे कट गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। इससे ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। वरना ए सी के पैरेलल तो लाइन ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, कई सारी हो सकती थी, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये पक्की बात है एक ऐसी लाइन है जिसने ए बी को तो कट किया होगा और बी सी को भी, ऐसा बोला गया है, ठीक है, इतना गिवन है बस। तो चलो भैया लिख लो जल्दी से, गिवन क्या है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल किसके, ए सी के, और ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। क्या प्रूफ करना है, ये ऊपर वाला प्रूफ करना, चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखो यार, जब दो लाइन पैरेलल दिखे तो जिन जिन के एरिया बराबर उनको तो लिख ही लो पहले, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना, ए डी एक्स, ए डी एक्स पक्की बात है, ए डी एक्स यही तो होगा ट्रायंगल, यही तो होगा ना, ए डी एक्स। चलिए फिर कह रहे हैं ए सी वाई, ए सी वाई भैया वो इस तरीके से होगा ट्रायंगल, ए सी वाई यही तो होगा, यस और नो। ये रहा हमारा पास ट्रायंगल ए सी वाई। इन दोनों को मुझे आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। थोड़ा हॉचपॉच होगा डायग्राम में क्योंकि बहुत सारे चीजें ज्वाइन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये देखो, अगर दो ये दो लाइन पैरेलल हैं तो किन किन का एरिया आपस में इक्वल, सबसे पहले, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो किन दो के एरिया बराबर हो सकते, देखते हैं। चलिए एक तो इस वाले का ये एरिया, ठीक है सर, देखते हैं ना, एक तो ये एरिया ए एक्स डी, एरिया ए एक्स डी, ये किसके इक्वल हो सकता है, अगर आप दिमाग लगाइए। मैं इससे इसको ज्वाइन कर देता हूं, ओ माय गॉड, लहर गया ज्यादा ही। एक तो यार इसका अब देखिए, अब आप देखो एरिया ए डी एक्स और एरिया ए एक्स सी बराबर होंगे, देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि दोनों में ए एक्स कॉमन आ रहा है, सेम बेस हो गया, और सेम हाइट कैसे, इन दो पैरेलल लाइंस पर ही ये टिके हुए हैं, देखो जरा, पक्की बात है, क्लियर है ना। और ये तो प्रूफ करना नहीं है, बट जो भी इक्वल है एरिया उनको पहले लिख लो बस, और देखते जरा और किस किस का एरिया बराबर हो सकता है, किसका, ए बाई सी। मैं बात कर रहा हूं यार इन दो पैरेलल लाइंस के भी पहले, उसकी बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो जरा और क्या क्या हो सकता है, देखो जरा दिमाग लगाओ, ये एरिया बराबर हो नहीं सकता, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, चलिए ये और क्या गिवन है हमको, एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए सी के, एक्स वाई किसके पैरेलल है, ए सी के। अब इसको देखो यार, एक्स वाई ये रहा, ठीक है, ए सी ये रहा। अब देखो जरा किन किन का एरिया आपस में इक्वल हो सकता है, तो देखो एरिया ए वाई एक्स, ये वाला एरिया देखो ध्यान से, और ये वाला एरिया आपस में इक्वल होंगे ना, तो देखो क्या लिखेंगे, एरिया ए एक्स वाई इक्वल्स एरिया एक्स वाई सी। दो एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम बेस और सेम हाइट। अच्छा जी, और किस किस का एरिया आपस में इक्वल दिख रहा है आपको, और बताइए जरा, और किस किस का एरिया आपको आपस में इक्वल दिख रहा है। तो मुझे जो दिख रहा है आप बताना कि यहाँ से हम एंड ये भी तो लिख सकते हैं, आप सोच समझ के बताएंगे कि एरिया ए डी सी, ये वाला एरिया, और एरिया एक्स सी डी, यस और नो, दोनों में सी डी बेस सेम है,
इतना सब कुछ बराबर है। अब देखो क्या प्रूफ करना था, एडीएक्स, एडीएक्स प्रूफ करना था। देखो एडीएक्स कहीं पर है, एडीएक्स ये रहा भैया, क्लियर है। किसके हो रहा है, एसी वाई, एसी वाई कहीं पर है, एसी वाई कहां पर, एसी वाई अभी नहीं कहीं पे। चलो अब देखो एसी वाई पे फोकस करो, आ जाओ भैया, इसीलिए सिंपल है क्वेश्चन, जो प्रूफ करना उस पर जाओ। एसी वाई, ए सी वाई ये रहा, ए सी वाई। अब देखो जा रहा है ये ए सी वाई किसके इक्वल होगा, अब देखते हैं। ये दो लाइन हमारे क्या है, ये हो गई। अब इस पे फोकस करो, ये वाली लाइन, ये वाला जो एरिया है ये किसके इक्वल होगा बताओ, ए सी वाई, ए सी एक्स, ए सी एक्स। कैसे भैया, क्या चीज कॉमन आ रही है, ए सी, ए सी कॉमन आ रहा। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ए सी एक्स बराबर होगा एरिया ए सी वाई। अब गौर से देखो जरा लॉजिक क्या, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अब देखो ये ए सी एक्स और ए सी वाई, ये लाइन कॉमन नहीं आ रही है, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन टू, ये क्वेश्चन थ्री। अब देखो ए एक्स डी किसके इक्वल है, ए एक्स सी के, और ए एक्स सी किसके इक्वल है, ए सी वाई के। तो क्या ये बराबर नहीं होंगे, फिर से देखो ए एक्स डी किसके इक्वल है, ए एक्स सी के, और ए एक्स सी किसके इक्वल, ए सी वाई के। तो क्या ये बराबर नहीं होंगे। अब जो थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे वो कहेंगे सर इसकी रिक्वायरमेंट तो हुई नहीं, सर इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो आप हो एकदम बेवकूफ, क्यों, इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि आप रट्टा मार रहे हो कि आप कहोगे सर हर जगह सॉल्यूशन इसका, इसको लिखा अगली लाइन में आंसर आ गया। तो इसका मतलब आप रट रहे हो क्वेश्चन, क्या पता इसको नहीं देके और कुछ देते हैं। तो जब कभी भी दो लाइन पैरेलल दिखें आपको, तो जिन जिन का भी एरिया इक्वल है सबको लिख दो, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसका हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। पक्की बात है, हनुमान जी जब पर्वत लेके आए तो उनको दवाई मिली नहीं, वो पूरा पर्वत ही लेकर, लो भैया छांट लो जो भी तुमको चाहिए। यस और नो, दो लाइन पैरेलल हैं, जितने भी एरिया इक्वल सबको लिख दो, और जिसका यूज है उसका यूज कर लो, क्लियर है। तो अब देखेंगे कहां से ये एक्स ही, तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस एरिया ए डी एक्स या ए एक्स डी फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ए सी वाई। चमका, यस और नो, ठीक है। तो ये मैं हर बार ऐसे ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि डायरेक्ट हम बताते हैं कि केवल इन्हीं का काम है तो डाउट होता, क्योंकि ये सारे एरिया आपस में इक्वल है, भले इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या पता कि इनकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इन दोनों से काम हो उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम नहीं करते हैं, जो भी सबको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसका यूज़ कर लेंगे। यस और नो, चलो लिख लो। चलो क्वेश्चन 14 देखो, कह रहे हैं ये डायग्राम है एपी किसके पैरेलल है, बीक्यू के, और बीक्यू किसके पैरेलल है, सीआर के। मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हमसे बोला गया है क्या प्रूफ करना है, हमसे बोला गया है कि एरिया ए क्यू सी इक्वल्स एरिया पी बी आर। अब देखो जरा ये अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सुनो क्या इक्वल है। अगर ए पी पैरेलल है बी क्यू के, तो यार एक बात बता रहा जरा, ए बी क्यू एरिया क्या बराबर नहीं हो गया एरिया बी क्यू पी के, सेम बेस सेम हाइट। और अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, गिवन है ऐसा, बी क्यू पैरेलल सी आर, तो क्या एरिया, अब ये तो हमें प्रूफ करना है, ए क्यू सी मतलब इस वाले का यूज करना है। तो देखो एरिया सी बी क्यू इक्वल्स एरिया बी क्यू आर, यस और नो, सेम बेस सेम, दोनों में देखो बी क्यू आ रहा है, यस और नो। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दो। जब कभी इक्वेशन ऐड होती है तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया सी बी क्यू इक्वल्स एरिया बी क्यू पी प्लस एरिया बी क्यू आर। अब देखो ए बी क्यू तो ये रहा, इसमें ऐड कर दो सी बी क्यू, तो क्या ये पूरा ये नहीं हो गया, तो बस आ गया। तो इसको लिख दो एरिया ए क्यू सी इक्वल्स एरिया पी बी, और पूरा हो गया ये, क्लियर है, इसे हटाओ, सिंपल था ये, तो ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कोई सा भी एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये ए बी सी डी, कह रहे हैं इसके जो डायगोनल्स हैं वो किस पे इंटरसेक्ट करते हैं,
ओ पे, ठीक है जी। और क्या गिवन है, इन सच अ वे, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि एरिया ए ओ डी बराबर है एरिया बी ओ सी। तो कह रहे प्रूफ कर दो कि ये ट्रेपेजियम है। चलो अच्छा देखते हैं, जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना है कि वो ट्रेपेजियम है, केवल अपोजिट साइड कोई भी एक पेयर, या तो ये लाइन इसके पैरेलल दिखा दो या फिर ये इसके पैरेलल दिखा दो, चारों आप सारी अपोजिट पैरेलल नहीं होती है इसमें, केवल एक पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें को क्या प्रूफ करना है ये लिख दो जरा। हम अगर कैसे भी जुगाड़बाजी करके ये दिखा दें ए बी पैरेलल सी डी, तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा, एक ही खासियत होती है इसकी। चलो प्रूफ, गिवन क्या है, एरिया ए ओ डी इक्वल एरिया बी ओ सी। एक बात सुनो, अगर मैं इसमें एरिया ए ओ डी में एरिया सी ओ डी ऐड कर दूं इधर भी और इधर भी सी ओ डी ऐड कर दूं, तो क्या ये पूरा एरिया ए सी डी नहीं हो जाएगा? एरिया ए सी डी बराबर एरिया बी सी डी, यस और नो? और ये एरिया बराबर है, देखो जरा सी डी सी डी दोनों में आ रहा है, कॉमन सेम बेस हो गया, और एरिया बराबर है, तो इसका इसका मीनिंग ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, तभी तो इक्वल है ना। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, थ्योरम को उल्टा है ना, तो कन्वर्स, ओ कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये तो सिंपल था, कन्वर्स हो गया थ्योरम का। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ चैप्टर खत्म। फिर कह रहे हैं एरिया डी आर सी और ये सब गिवन है, ये प्रूफ करना है। देखो ए बी सी डी अगर हमको प्रूफ करना है ट्रेपेजियम, मतलब हम ये प्रूफ करते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रेपेजियम हो गया ये। फिर कह रहे हैं कि डी सी पी आर, डी सी पी आर मतलब डी सी पहले प्रूफ करते हैं पी आर के, यही तो करना है। अगर ये दो चीज़ें हम लोग कर दें तो भैया ये हमारा हो जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं प्रूफ। अगर यार एरिया डी पी सी इक्वल है एरिया डी आर सी के, गिवन है ना ये, तो देखो डी सी डी सी दोनों में आ रहा है, तो सेम बेस हो गया और एरिया इक्वल है, तो पक्की बात है कि भैया ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी यार। सो डी सी जो पैरेलल है किसके, पी आर के, आर पी या पी आर, पक्की बात है। सो हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वल नहीं होती पैरेलल होती, ठीक है। सो डी सी पी आर इज ट्रेपेजियम, पक्की बात है। चलिए पहला तो हो गया। फिर ये और क्या गिवन है हमसे, कह रहे हैं एरिया बी डी पी इक्वल्स एरिया ए आर सी। चलो अब देखो बी डी पी, बी डी पी ये रहा यार, हमको अब दिखाना ए बी और सी डी, तो हमको क्यों इतने से मतलब है ना, इतना एक्स्ट्रा रहा माइनस कर दो यार। तो एक काम करो कि एरिया बी डी पी से अगर हम एरिया माइनस कर दें, कौन सा वाला, डी सी पी, डी सी पी, और इधर एरिया ए आर सी से, ए आर सी कहाँ, ए आर सी, इसमें तो क्या माइनस कर दें, डी सी आर, डी सी, और ये दोनों आपन इक्वल भी तो हैं, देखो ये रहे डी पी सी और डी, देखो डी आर सी या डी सी आर एक ही बात है। तो अगर कोई भी दो नंबर बराबर हैं, टू बराबर टू है, तो वन इधर भी माइनस हो, वन इधर भी माइनस हो, अभी भी तो बराबर होंगे ये, तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल ही तो हैं, इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इधर जब किया तो एरिया कितना आया बी डी सी, और इधर जब माइनस किया तो एरिया कितना ए डी सी। और देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में डी सी डी सी सेम बेस, और एरिया इक्वल है, तो पक्की बात है ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बाय द कन्वर्स ऑफ थ्योरम ए बी पैरेलल टू सी डी। सो ए बी सी डी इज, अब भैया अपना खत्म हो गया पूरा नाइन चैप्टर, हम लोग 6 7 8 9 10 जो बड़े लॉजिकल और टफ मानते हैं बच्चे लोग का माइंड सेट है, उन सबके वीडियो बना दिए। इसमें ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल के भी वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चे लोग कहते नहीं आएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए बनाऊंगा, बट तब बनाएंगे जब 9th का पूरा एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल लेके एक सिलेबस डाल दो, उसके बाद ना एग्जाम्पल करेंगे। अब इसके कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, 13 कर दे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना, ठीक है।